रक्तांबुजा सन्मशेष गुणैक सिंधुं भानु समस्त जगता मधिपं भजामि पद्मद्वयाभय वरान् दहतम कराब्जे माणिक्य मौलि मरुणांग रुचिम त्रिनेत्रम। जय श्री सूर्यदेव, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। रविवार के व्रत में भगवान सूर्य देव का पूजन किया जाता है और भगवान सूर्य देव जो कि आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। रविवार के व्रत में इस दिन नमक युक्त भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। नमक और तेल युक्त भोजन नहीं होना चाहिए। इस दिन सूर्यास्त होने से पहले ही एक समय मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन विशेष प्रकार से चाहिए इन्हें जल में लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है और भगवान सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं। फिर इन्हें धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य का भोग लगाएं और फिर रविवार व्रत का कथा श्रवण करें। इससे लाभ की प्राप्ति होती है और भगवान सूर्य देव अपना कृपा प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आइए सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का नियम था कि वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाया करती थी। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। ऐसा करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्यों से पूर्ण था। भगवान श्री हरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और ना ही कोई विघ्न था और ना ही कोई दुख था। सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप पाई, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन का एक अन्न भी ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण भगवान से कह सुनाया। भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको एक ऐसी गौ देते हैं जिससे कि सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझन स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में उन्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष भाव के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर वहां से उठाकर ले गई और उस गोबर सोने के गोबर की तरह ही अपना गाय का गोबर वहां पे रख गई। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी कोई खबर ना थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर शोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया और प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया
गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने में नहीं बन पा रहा था, तो वह ईर्ष्या और दाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि हे महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास एक ऐसा गौ है जो आप जैसा राजाओं के पास ही रहने योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः काल ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के दूत वहां पर आए और गौ खोलकर वहां से ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने कुछ भी उसकी एक ना सुनी। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा उठा। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भली है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे इस गौ को प्रदान किया है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ और सम्मान सहित उसे गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से सभी गंदगी दूर हो गई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को और सभी को आदेश दिया कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला रविवार को इस व्रत को करे। व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं हो पा रहा था। सारी प्रजा बड़ी सुख से रहने लगी और भगवान सूर्य देव का सभी भजन कीर्तन और व्रत करने लगी। हे भगवान सूर्य देव, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया पर अपना कृपा किया, हे प्रभु, आप अपने भक्तों पर इसी प्रकार से सदैव अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो भी आपका व्रत करे, जो भी आपके व्रत का कथा श्रवण करे, हे भगवान सूर्य देव, उसके घर को सभी प्रकार से सुखों से पूर्ण रखना। घर में हर प्रकार से धन धान्य भरा रखना। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ रविवार का व्रत करते हैं, भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इससे भगवान सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी दुख और कष्ट को दूर कर देते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।